अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस के मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट कोर्सेज की तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी एक इसका इम्पोर्टेंट कोर्स है, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस लेक्चर के अंदर, कोर्स के अंदर सबसे पहला जो लेक्चर हम करने जा रहे हैं, उसमें हम जो बेसिक्स जो चीज़ें इस लेक्चर के अंदर करेंगे वो आपके साथ में शेयर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ इंजीनियरिंग, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डोमेन्स, वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ ए ट्रिकी डिसिप्लिन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेलियर केसेस, वाई डज सॉफ्टवेयर फेलियर अकर्स, हाउ डज सॉफ्टवेयर फेलियर अकर। तो ये कुछ बेसिक्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जो हम अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर एज यू नो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिंपली सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शंस क्यों लिखी जाती हैं, दैट डायरेक्ट्स ए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के लिए ये इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन, ताकि हम क्या कर सकें, कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन या कोई टास्क कंप्यूटर से परफॉर्म करवा सके, ठीक है। या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि इज एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो है, लेकिन उसके साथ उसकी प्रॉपर क्या है, एक डॉक्यूमेंटेशन है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ये डेफिनेशन जो है वो सूट करती है, कि सिंपली सॉफ्टवेयर इज एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन, कि ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके साथ क्या हो, डॉक्यूमेंटेशन हो। उसके बाद इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, इम्पीरिकल एविडेंस एंड साइंटिफिक, इकोनॉमिक, सोशल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इन ऑर्डर टू इन्वेंट, इनोवेट, डिजाइन, बिल्ड, मेंटेन, रिसर्च एंड इम्प्रूव स्ट्रक्चर्स, मशीन्स, टूल्स, सिस्टम्स, कंपोनेंट्स, मटेरियल्स एंड प्रोसेस। तो एम्पिरिकल एविडेंस क्या होता है, कि अमली प्रूफ, ठीक है। और उसके बाद हमारा है इन्वेंट एंड इनोवेट। इन्वेंट होता है कोई चीज़ फर्स्ट टाइम बनाना, ठीक है। और इनोवेट होता है कि कोई चीज़ अगर पहले से बनी हुई है उसमें कोई तब्दीली करना। तो बेसिकली इंजीनियरिंग क्या, एक डिसिप्लिन है जो इन सारी चीज़ों पर बेस करती है। या फिर सिंपली हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंस। कि इंजीनियरिंग क्या है, बेसिकली एक एप्लीकेशन है किसकी, साइंस की एंड मैथ और मैथ की। और ये क्या करती है, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है, किसको, इंजीनियरिंग को। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है, इंजीनियरिंग की ही एक एप्लीकेशन है, टू डिज़ाइन, डिवेलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम टोटली सॉफ्टवेयर की ही बात करेंगे, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी हम उसको हम जब डिज़ाइन करते हैं, उसको हम जब डिवेलप करते हैं, उसको जब हम मेंटेन करते हैं, तो तमाम चीज़ों की स्टडी जो है वो किसके अंदर की जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। या फिर हम इसकी एक और डेफिनेशन जो है वो कर सकते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन, क्वांटिफाइबल अप्रोच टू डिवेलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। अगेन सॉफ्टवेयर की ही हम बात कर रहे हैं, कि सॉफ्टवेयर की डिवेलपमेंट, ऑपरेशन और उसकी मेंटेनेंस के रिलेटेड जो हमारी अप्रोच है, किस तरह की सिस्टमेटिक, एक मुनज्जम, डिसिप्लिन एक तरतीब में, और क्वांटिफाइबल जो मकदार के काबिल, मतलब ये हमारी अप्रोच है जो हम सॉफ्टवेयर को डिवेल्प करने, ऑपरेट करने और उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ कर। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट एप्लीकेशन डोमेन्स, कि एप्लीकेशंस की डिफरेंट डोमेन्स कौन कौन सी होती हैं, मतलब जो हमारे एप्लीकेशंस हैं, हमारे सॉफ्टवेयर हैं, वो किस तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, जैसे हमारी विंडोज़ है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, ठीक है, एंड्रॉयड है हमारा, ठीक है, उसके बाद मैक ओएस, ये हमारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी खास काम या किसी खास मकसद या किसी खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाए, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन हैं, हमारी पावर पॉइंट है, ऑफिस है, ठीक है, ब्राउजर्स हैं हमारे, गूगल क्रोम है, ये चीज़ें किसके अंदर आती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके बाद हमारे पास है इंजीनियरिंग साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें, सॉफ्टवेयर की वो कैटेगरी जो हमारे हमारे इंजीनियरिंग और साइंटिफिक जो है फंक्शंस और टास्क के अंदर यूज होते हैं, उनको हम इंजीनियरिंग साइंटिफिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे लेबॉरेटरीज जो होती हैं टेस्टिंग के अंदर, रिसर्च के अंदर, और हमारे जो इंजीनियरिंग ऑफिस होते हैं वहाँ पे ये
यूज होते हैं। अगर इसकी हम मिसाल लें तो जैसे हमारे कंप्यूटर एडिट डिजाइन प्रोग्राम्स हैं, वो इसकी बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो ये ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं मशीनों या आलात को कंट्रोल करने के लिए इनको कोड किया जाता है, जिनको आमतौर पर हम कंप्यूटर कंसिडर नहीं करते। अगर इनकी हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे जो डिजिटल कैमरे हैं, डिजिटल रिस्ट वॉचेज़ हैं, MP3 प्लेयर्स हैं, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, उसके बाद वॉशिंग मशीन्स हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, तो इनको हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं वेब एप्लीकेशंस। तो वेब एप्लीकेशंस क्या है कि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो रिमोट सर्वर पर हम उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, और ब्राउज़र इंटरफेस के ज़रिए हम उसे इंटरनेट पर डिलीवर करते हैं, ठीक है, और वहाँ से कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे हमारे ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, शॉपिंग कार्ट्स हैं, हमारे स्प्रेडशीट्स हैं, वीडियो और फोटो एडिटिंग है, ठीक है, फाइल कन्वर्जन है हमारा, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, वेब एप्लीकेशंस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं? तो मोबाइल एप्लीकेशंस में ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हमारे मोबाइल्स पर, हमारे टेबलेट्स वगैरह पर चलाने के लिए हम उनको डिज़ाइन करते हैं। अगर इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास जैसे एजुकेशनल ऐप्स होती हैं, लाइफस्टाइल ऐप्स होती हैं, सोशल मीडिया ऐप्स होती हैं, उसके बाद प्रोडक्टिविटी ऐप्स होती हैं, इंटरटेनमेंट ऐप्स होती हैं, गेम्स होती हैं, जो हमारे मोबाइल्स पर रन होती हैं, ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, जो कि हमारे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं आज के दौर में। मस्नूई जहानत, इसका जो लफ्जी मायने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एक ऐसी जहानत है जो इंसानों ने ही उसको क्रिएट किया है, और वो मशीन्स के अंदर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, मशीन्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो इंसानों की तरह बिहेव कर सकें। जैसे हमारे पास वॉइस असिस्टेंट्स हैं, गूगल असिस्टेंट्स है, अलेक्सा, सीरी, ये किसके अंदर आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ ट्रिकी डिसिप्लिन, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ट्रिकी डिसिप्लिन क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है द अल्टीमेट गोल इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हमारा जो अल्टीमेट गोल है, हमारा मकसद जो है, मेन मकसद जो है, वो क्या है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। एक हमें वो चीज़ उसको प्रोवाइड करनी है जो वो चाहता है, ठीक है। हाउएवर इन जनरल द कस्टमर्स डू नॉट नो व्हाट दे रियली वांट। लेकिन रियल में होता क्या है कि कस्टमर को खुद नहीं पता होता कि उसको क्या चीज़ बनानी है, ठीक है, उसको क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एक चीज़ डिमांड कर रहा होता है, एक प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम डिमांड कर रहा होता है, तो उसे भी आइडिया नहीं होता कि एग्जैक्ट वो क्या चाहता है। उसके बाद Uncertainty exists at every step in each phase of development life cycle. अब क्या कहता है कि जो uncertainty है ना, गैर यकीनियत जो है, वो development के किसी भी phase के अंदर वो occur हो सकती है, exist कर सकती है। मतलब कि customer हमें कुछ चीज़ें, कुछ specifications बता रहा है, और जो उसको समझ रहा है, उसको सुन रहा है, उसके समझने में कुछ वो चीज़ें एक्स्ट्रा समय ले, या कुछ कम समय ले, या बताने में, बताने वाला जो कस्टमर है उसको सही तरह से वो एक्सप्लेन ना कर पाए। उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स कीप ऑन चेंजिंग, कि जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं। मतलब हमें ये गाइड करता रहता है साथ साथ कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इसको चेंज करके ऐसे कर दो, इस चीज़ को चेंज करके ऐसे कर दो। नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज मच मोर देन प्रोग्रामिंग। अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है ना, उसको हम जस्ट प्रोग्रामिंग नहीं कहेंगे, बल्कि ये इससे भी नेक्स्ट टर्म है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर हैज टू बी मेंटेन्ड आफ्टर गोइंग लाइव, कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जब हम उसको लाइव कर देते हैं, ठीक है, लाइव करने के बाद भी एक मतलब चीज है कि हमें उसको मेंटेन रखना पड़ता है लाइव करने के बाद भी। उसके बाद अप फ्रंट डिटेल एस्टिमेशन एंड डिजाइन आर कॉम्प्लिकेटेड येट अननेसेसरी। अब कहते हैं कि जो हमारी डिटेल्स हैं, जैसे हम कॉस्ट की एस्टिमेशन करते हैं, उसके टाइम की एस्टिमेशन करते हैं, उसके डिज़ाइन की एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड तो हैं, बट ये अननेसेसरी हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब ये सारे पॉइंट्स को लेकर उसने कहा है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो एक ट्रिकी डिसिप्लिन। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेलियर केसेस। मतलब हम ऐसे कुछ केसेस देखेंगे कि जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है उसके फेलियर अकर हुए हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। सबसे पहले है फॉल्टी सोवियत वार्निंग सिस्टम नियरली कॉजेज WW3 1983 में ये मतलब हुआ था वाकया, ठीक है। उसके अंदर क्या था कि कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की फेलियर हुई थी, ठीक है। उसमें क्या था कि द सॉफ्टवेयर सिस्टम मेल फंक्शनड एंड इशूड ए फॉल्स अलार्म, ठीक है, ये उसकी वजह। लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स कुड हैव बीन एट रिस्क, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स थे, उनकी जो जिंदगियां थी वो खतरे में चली गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास
केस क्या है कि द एक्सप्लोजन ऑफ एरीन 5 ये कब हुआ था 1996 के अंदर। इसमें क्या बताया कि देयर सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाज ट्रिगर्ड बाय सॉफ्टवेयर ट्राइंग टू स्टफ। अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन कि उस सिस्टम ने खुद को खुद ही डिस्ट्रॉय कर लिया है, और किसकी वजह से 64 नंबर को वो 16 बिट स्पेस के अंदर कन्वर्ट कर रहा था, ट्राइंग टू कन्वर्ट। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर $8 बिलियन, और इसकी कॉस्ट क्या थी प्रोजेक्ट फेलियर की ये बताई हुई है। उसके बाद है ब्लैकआउट $450 मिलियन अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका 2018 में ये हुआ था। द रीजन वाज ए रेस कंडीशन बग इन द कोड। इसमें अब इसकी वजह क्या थी फेल होने की कि इसके अंदर क्या था बग था कोड के अंदर, ठीक है, रेस कंडीशन थी, ठीक है। तो ये तीन केसेस ऐसे हैं जो हमें समझाने के लिए बताए हुए हैं कि जो फेलियर है वो अकर होता है फिर के अंदर कहीं ना कहीं पे। नेक्स्ट हमारे पास है द डिलेमा, मतलब ये वो कंडीशन होती है जो हमारी, मतलब वो चीज़ जो हमारी समझ में ना आ सके। अब देखें ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं इनको आपने देखना है, और इनके नीचे ये लिखा हुआ है कि हाउ द कस्टमर एक्सप्लेन इट। ये वो पिक्चर है जो मतलब एक कंसेप्ट बता रहा है कि कस्टमर ने क्या चीज़ बताई है, इस तरह से एक्सप्लेन की है। अब जो प्रोजेक्ट लीडर था उसने उसको अंडरस्टैंड किया इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ द एनालिस्ट डिजाइंड इट। अब जो एनालिस्ट था उसने उसको डिजाइन कैसे किया है इस तरह। फिर जब प्रोग्रामर के पास वो चीज़ गई तो उसने कोड उसको इस तरह से किया, ठीक है। हाउ द बिजनेस कंसल्टेंट डिस्क्राइब इट। अब जो बिजनेस के हवाले से जो बंदा था उसने उसको इस तरह से वो कंसल्ट किया है। फिर हाउ द प्रोजेक्ट वाज डॉक्यूमेंटेड। अब डॉक्यूमेंट कैसे किया गया उसको इस तरह से। व्हाट ऑपरेशंस इंस्टॉल्ड, उसमें ऑपरेशंस क्या इंस्टॉल हुए इस तरह से, ठीक है। ये पिक्चर शो करवा रही है, मतलब सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। हाउ द कस्टमर वाज बिल्ड, कस्टमर को बिल्ड कैसे किया गया ऐसे। हाउ इट वॉज सपोर्टेड, अब वो जो सॉफ्टवेयर बना है वो सपोर्ट क्या कर रहा है ये, ठीक है। व्हाट द कस्टमर रियली नीड, अब वही बात आ गई कि कस्टमर को चाहिए क्या था और उसने बताया क्या और दरमियान में ये सारा कुछ क्या हुआ। उसने ये अपना फर्स्ट पिक्चर वाली जो थी वो उसकी डिटेल थी कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन वो रियली उसे क्या चाहिए था ये वाला। तो मतलब इस चीज़ में है कि अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज भी आ जाते हैं जब कस्टमर जो है वो एक चीज़ डिटेल में बता रहा होता है कि मुझे इस तरह से एक सॉफ्टवेयर चाहिए, उसमें ये स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, तो वो उसको एग्जैक्ट खुद भी नहीं पता होता कि वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई डज सॉफ्टवेयर फेलियर अकर्स। पहले हमने देखे हैं कुछ केसेस, अब हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर फेलियर होता क्यों है, ठीक है। सबसे पहले है लैक ऑफ मैनेजमेंट, कि हमारी जो मैनेजमेंट है उसमें कोई कमी होगी। लैक ऑफ क्लियर स्पेसिफिकेशंस, के जो हमारी स्पेसिफिकेशंस हैं उसको हमने क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं किया, उनमें कोई कमी है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिकेशंस, जो हमारी स्पेसिफिकेशंस हैं वो समझने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उसके बाद इनफिजिबल स्पेसिफिकेशंस, इनफिजिबल होता है नॉट फिजिबल, मतलब ऐसी चीज़ जो नॉट पॉसिबल टू डिवेल्प हो, ठीक है, उसकी स्पेसिफिकेशंस हम रख लें। उसके बाद कोडिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन एरर्स, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली होता है कि एक प्रूफ होता है कि व्हाट यू से एंड व्हाट यू डिड, मतलब हमने डॉक्यूमेंट क्या किया और काम क्या किया है उसके अंदर, या फिर कोड के अंदर कोई एरर हो। उसके बाद इक्विपमेंट फेलियर्स होते हैं, हमारे जो टूल्स होते हैं उसके अंदर कोई एरर हो। ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइलर एंड लाइब्रेरी फेलियर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो और कंपाइलर जो है वो सही तरह कंपाइल ना करे, एंड लाइब्रेरी फंक्शंस, या फिर हमारे जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उनके अंदर कोई फेलियर अकर हो जाए। चेंजिंग्स इन एक्सटर्नल सब सिस्टम्स, चेंजिंग्स इन इंटरनल सब सिस्टम्स, मतलब एक्सटर्नली और इंटरनली कोई भी जो चेंजिंग्स आ जाए हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। अनइंटेंडेड होता है गैर इरादतन, कॉन्सिक्वेंसेज होता है नतायज ऑफ देयर अदर चेंजेस, दूसरी जो तब्दीलियाँ होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर उसके जो हमारे गैर इरादतन नतायज हमारे सामने आते हैं वो भी एक वजह बनती है सॉफ्टवेयर के फेल होने की। उसके बाद केयरलेस और मलिशियस ह्यूमन इंटरवेंशन, अब ये ह्यूमन की बात की गई है कि इंसान का जो बदनीयती, मलिशियस कहते हैं बदनीयति भरमवनी, ठीक है, इस तरह का जो रवैया होता है। इंटरवेंशन होती है मुदाखलत, ठीक है, तो इंसान का जो मतलब इंसान के ह्यूमन के रिलेटेड जो केयरलेस उसका रवैया है वो भी एक वजह बनता है सॉफ्टवेयर के फेल होने की। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डज सॉफ्टवेयर फेलियर अकर्स, के सॉफ्टवेयर हमारा फेल कैसे होता है, ठीक है। इनकरेक्ट कोड, जो हमारा कोड है वो इनकरेक्ट हो, मिसिंग कोड, कुछ कोड मिसिंग हो, एक्स्ट्रा कोड या फिर हम कुछ कोड एक्स्ट्रा कर दें। उसके बाद इनकरेक्ट रेफरेंसेस टू एक्सटर्नल प्रोसेस, हमारे जो रेफरेंसेस हैं वही हमारे गलत हों, ठीक है। उसके बाद कोड दैट डज नॉट मीट टाइम कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, ऐसा कोड जो टाइम की कंस्ट्रेंट्स को ही मतलब जो है वो पूरा ना कर सके।
विद इन टाइम उसको कंप्लीट ना करें हम। उसके बाद नेक्स्ट है कोड दैट डज नॉट मीट स्पेस कंस्ट्रेंट्स, मतलब स्पेस यानी यहाँ पे स्टोरेज की बात हो रही है, उसके कंस्ट्रेंट्स को, उसके रूल्स को, शरायत को पूरा ना करे। ह्यूमन इंटरफेसेस दैट डोंट मैच पीपल्स ट्रेनिंग और प्रेफरेंसेस, मतलब इंसानी इंटरफेस जो लोगों की तरबियत, ट्रेनिंग क्या होता है तरबियत, और प्रेफरेंसेस होती हैं तरजीहात, मतलब ऐसा हम जो है वो इंसानी जो इंटरफेस है वो बना दें जो लोगों की ट्रेनिंग यानी कि उनकी तरबियत और उनकी जो है तरजीहात से है वो मैच ना करे, तो फिर भी जो सॉफ्टवेयर होता है वो फेलियर अकर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपके पास कुछ क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं क्यूरीज को। इफ़ यू नीड ऑनलाइन असाइनमेंट हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम। अल्लाह हाफिज़।